हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल पोलोमी लाइफस्टाइल। तो आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा वीडियो, जो वीडियो आप लोगों का बहुत काम आएगा। ये हेयर फॉल के ऊपर है ये वीडियो। एक ऑयल को लेकर मैं एक रिव्यू दूंगा और ये ऑयल आप लोगों की हेयर फॉल रोकने का बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो आज मैं बाउ स्किन साइंस की ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल, इसके बारे में बताऊंगी कि ये ऑयल सच में क्या हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है या नहीं, इसका बेनिफिट्स क्या है मैं बताऊंगी। ये ऑयल मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया हूँ और इस ऑयल का क्वांटिटी है 200 ml और इसका प्राइस है 599 rupees, यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मुझे 550 rupees में मिला था। तो गाइस, इसमें कोई मिनरल ऑयल और सिलिकॉन नहीं है, जो कि हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ऑनियन, जो कि हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, हेयर कंट्रोल करता है, हेयर फॉल होने से उसको हेयर फॉल को कंट्रोल कर लेता है बहुत अच्छे से। तो उसके साथ में और जो जो इंग्रेडिएंट्स है, आमंड है, जोजोबा है, ऑलिव है और कोकोनट ऑयल है, जो कि हमारे हेयर के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे हेयर को बहुत अच्छे से नरिशमेंट देते हैं। ये ऑयल है नॉन स्टिकी और इसका जो स्मेल है काफ़ी हद तक अच्छी है, मुझे अच्छा लगा। और मैंने इसको 15 डेज यूज़ किया है क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रही थी और उसके लिए मैंने इस ऑयल को परचेस किया। और मैंने इसको यूज़ करके मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला। मुझे क्या क्या मिला, बेनिफिट्स क्या है मैं अब बताऊँगी। हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है, डैमेज जो हेयर है उसको रिपेयर कर देता है, और जो कि जिसमें जिसके हेयर में डैंड्रफ है उसको भी काफ़ी हद तक इसको रिमूव कर देता है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हेयर फॉल, वो भी कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि मैंने खुद यूज़ किया है और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। मेरा भी बहुत हद तक हेयरफॉल कंट्रोल हो गया है। तो इसके लिए मैं इस ऑयल के बारे में आप लोगों को बताना चाहती थी, क्योंकि बहुत अच्छा है, आप लोग बाय कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आप पाएंगे। अभी मैं बताऊंगी कि इस ऑयल को यूज कैसे करना है। तो इसको रूट में ऐसे स्प्रे कर लेना है रूट के, और ऐसे ऐसे इसको मसाज करना है, 10 मिनट्स तक मसाज करना है इसको। और अभी इसको 10 मिनट मसाज करने के बाद ऐसे ही छोड़ देना है ओवरनाइट के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। अगर ओवरनाइट नहीं रख सकते तो इसको 2 घंटा लगा कर रखना ही है, उसके बाद शैम्पू से वॉश कर देना। और उस आप लोग तुरंत ही देख सकते हो, देख पाओगे कि कितना अच्छा हेयर पर एक साइन आ जाएगा और एक स्मूथनेस भी आ जाते हैं। तो बहुत अच्छा ऑयल है। तो आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। और इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।